मुझे देख रहे हैं। मैंने इस न्यूज लाइव पर खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एसआरपी से सेवानिवृत्त महिला की हत्या, गर्लफ्रेंड की विवाद में छात्र का अपहरण, टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन उपलब्ध कराए। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। एसआरपी से सेवानिवृत्त महिला की हत्या। एमआईडीसी में एसआरपी की एक सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस वारदात का गुरुवार की दोपहर खुलासा हुआ। आरंभिक जांच में संपत्ति विवाद या किसी रंजिश के चलते हत्या किए जाने का संदेह है। मृतक 61 वर्षीय विजया बाई पांडुरंग तिवलकर है। विजया एसआरपी में खान सामा के पद पर कार्यरत थी। वह 2017 में सेवानिवृत्त हो गई। उनके परिवार में बेटा और दो बेटी हैं। बेटा एसआरपी ग्रुप 4 में कार्यरत है। वह एसआरपी क्वार्टर परिसर में ही रहता है। विजया सप्तक नगर में अकेली रहती थी। यह मकान भी उन्होंने दोनों बेटियों के नाम पर किया है। दोनों बेटियों का एक ही परिवार के दो बेटों रवि तथा संजय काले से विवाह हुआ है। एक बेटा ई रिक्शा चालक है जबकि दूसरा दूध दही बेचता है। एक आत्मा नगर निवासी 40 वर्षीय हेमेश्वरी बीसेन विजया के घर में काम करती है। हेमेश्वरी रोज की तरह दोपहर 12:30 बजे आई। धक्का देने पर दरवाजा खुल गया। हेमेश्वरी को भीतर जाने पर विजया बिस्तर पर पड़ी दिखाई दी। कमरे में खून फैला हुआ था। हेमेश्वरी ने बाहर आकर पड़ोसियों को सूचना दी। पड़ोसियों ने विजया के परिजन और पुलिस को सूचना दी। एमआईडीसी पुलिस मौके पर पहुंच गई। विजया के गले पर वार किया गया था। उनके गहने और कमरे का सामान अपनी जगह पर मौजूद था जिससे लूटपाट के इरादे से विजया की हत्या किए जाने का संदेह नहीं हो रहा था। पुलिस को संपत्ति विवाद अथवा रंजिश में हत्या किए जाने का संदेह है। घटनास्थल घना रिहायशी इलाका है। विजया की हत्या करके आसानी से फरार होना बाहरी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। नौकरानी हेमेश्वरी गुरुवार को भी काम पर आई थी। उसके जाने के बाद से विजया की पड़ोसियों से भी बात नहीं हुई है। विजय की रात के वक्त हत्या होने का अनुमान है। एमआईडीसी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। तो वही दूसरी ओर गर्लफ्रेंड के विवाद में छात्र का अपहरण। अंबाझरी के कुख्यात गुंडे अश्विनी तुरकल द्वारा गर्लफ्रेंड के विवाद में छात्र को अगवा करके पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। हुडकेश्वर पुलिस ने अश्विनी तुरकल और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रौनक प्रभु वेग हिसलप कॉलेज का छात्र है। उसकी एक युवती से मित्रता है। यह युवती अश्विनी को गर्लफ्रेंड बताई जाती है। रौनक की अपनी गर्लफ्रेंड से मित्रता से अश्विनी नाराज था। उसने रौनक को फोन करके धमकाया। मोबाइल पर दोनों एक दूसरे को गालियां देने लगे। 12 मई की रात 10:30 बजे अश्विनी अपने 3 साथियों के साथ कार में हुडकेश्वर पहुंचा। वह रौनक को अगवा करके कार में बिठा लिया, पिटाई करके उसे शहर में कई स्थानों पर घुमाया, ऐसी जानकारी है। तो वही तीसरी ओर टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन उपलब्ध कराए। दक्षिण नागपुर के बाबुलखेड़ा स्थित मनपा प्राथमिक शाला स्वास्थ्य केंद्र पर नागरिकों के लिए जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग बसपा की ओर से की गई है। बसपा के प्रदेश कार्यालय सचिव उत्तम शेवड़े के अनुसार बाबुलखेड़ा स्थित मनपा प्राथमिक शाला स्वास्थ्य केंद्र पर रोजाना कोविड की वैक्सीन लगवाने के लिए नागरिकों की लंबी कतार लग रही है। बावजूद इसके इस केंद्र पर कोविड वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ऐसी सूरत में टीकाकरण केंद्र पर फलक लगाकर वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने की जानकारी लोगों को दी जा रही है। यह फलक देखने के बाद लंबी कतार में लगे नागरिकों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। ऐसे हालात को देखते हुए शेवड़े ने नागपुर जिले के जिला अधिकारी रविंद्र ठाकरे व मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी को निवेदन दिया है। ज्ञापन में उन्होंने केंद्र पर कोविड के पर्याप्त टीके उपलब्ध कराकर नागरिकों को राहत प्रदान करने की मांग की है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।